सबसे पहले लाल घाघरा, उसके बाद जो है हरी हरी ओढ़नी, उसके बाद जो है पुदीना एहसीना 2.0, उसके बाद जो है कमरिया पत्रे पत्रे, और उसके बाद जो है आटा के लोई के टोई, उसके बाद जाड़ा वर्सेस गर्मी, उसके बाद जो है धनी हो सब धन तहरे तो बा। जी हाँ, लगातार 7-8 गाने जो पिछले पवन सिंह का आए हैं उनमें से एक जाड़ा वर्सेस गर्मी को छोड़ दिया जाए तो सारे गाने जो हैं 25 मिलियन से ऊपर व्यूज इस वक्त है। मतलब आप समझ सकते हैं 100% हिट अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में देता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह, जिनके आप कभी के 10 गाने लास्ट रिलीज किए गए 10 गाने, ये नहीं कि अभी, अगर आप हरी हरी ओढ़नी से भी पहले का उठाइएगा 10 गाने तो वो भी 100% गाने ऐसे हैं जो कि 25 मिलियन से ऊपर उसका व्यूज होता है। तो इकलौते भोजपुरी स्टार ऐसे हैं पवन सिंह जिनका हरेक गाना जो है 25 मिलियन से ऊपर व्यूज जाता है, और बाकी सिंगरों को अगर आप काउंट करिएगा तो वो सब एक लाइन में खड़ा है। अगर वायरल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो गया, काम से मिलियन भी नहीं पहुंचता है, 2 मिलियन 3 मिलियन में खत्म। लेकिन इकलौते ऐसे पवन सिंह हैं जिनका हर एक गाना जो है 25 मिलियन जाता है ही, तो ये हैं 100% हिट देने वाले स्टार, भोजपुरी के इकलौते स्टार जिनके पास ये स्टारडम है कि 25 मिलियन हर एक गाने को देते हैं। बाकी सब स्टारडम के नाम पे मुझे लगता है कि कलंक ही है, क्योंकि कंपेयर करना अलग बात है लेकिन उसके जस्ट बराबरी में खड़ा होना अलग बात है। फट जाएगा बढ़िया बढ़िया का भी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कोई दिख नहीं रहा है जिसका हर एक गाना जो है वो 25 मिलियन जाए। आप पवन सिंह को उठा के देखिए, हर एक गाना जो है वो 25 मिलियन से ऊपर जाता है, तो बराबरी ऐसी हो जाएगा बाबू, कहने से हो जाता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि और कोई है जो पवन सिंह के जैसा ही 25 मिलियन हर एक गाना को दे सकता है या आने वाला टाइम में देगा, क्योंकि अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी स्टार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन 25 मिलियन किसी स्टार का गाना नहीं जाता है पर गाना। पहले तो पवन सिंह गाना नहीं लाते थे तो लोग बोलते थे कि पवन सिंह गाना जब लाएंगे ना, अब तो भाई महीना में 5-6 गाना देने लगे हैं, फिर भी 25 मिलियन से ऊपर जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू।